हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 17 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रिडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सैजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ वॉन्स एंड डिसेप्शन एंड एनवी। और देखिए, 10 ऑफ वॉन्स का कार्ड कहीं ओवर एग्जर्ट करने की बात करता है, किसी चीज़ को ओवर डू भी करने की बात करता है, और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए, जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ली हुई हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि जितना आप काम कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप ओवर एफर्ट, ओवर इनिशिएटिव्स अपने गोल, अपने मकसद के लिए ले रहे हैं या फिर अपने प्रोफेशनल फ्रंट में ले रहे हैं। और देखिए, जब भी ये कार्ड आता है, हम यही कहते हैं कि आपको बहुत ही प्यार से लोगों को ना करना आना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपना तो काम कर रहे हैं, आप अपने कोवर्कर्स, कुलीग्स या फिर और लोगों का भी काम कर रहे हैं और लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले रहे हैं। तो फिर से देखिए, इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा अपना बर्डन भी कम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए, अगर ऐसा आपने नहीं करा फिर आगे जाके हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं और फिर आप बहुत परेशान होंगे, क्योंकि देखिए, किसी भी चीज़ को ज़्यादा करने से हमें बेटर रिजल्ट नहीं मिलता है। हम सिर्फ अपने आप को थकाते हैं, हम सिर्फ अपने आप को परेशान करते हैं। और देखिए, डीपर लेवल के लिए डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड कहीं जेलसी की बात करता है, कहीं किसी लेवल पे चीटिंग की बात करता है। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आप अपने साथ ही फेयर नहीं रहे, कहीं किसी लेवल पे आपने अपने साथ ही चीटिंग करी, क्योंकि देखिए, सरफेस लेवल के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं ओवर एग्जर्ट करने की बात करता है। और हो सकता है सैजिटेरियस, अभी आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आगे जाके इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी परेशान रह सकते हैं और ये आपके हाथ में है। आप एक बैलेंस अगर लाना चाहें तो ज़रूर अपने प्रोफेशनल फ्रंट में एक बैलेंस ला भी पाएंगे। और देखिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं, कहीं उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं हैं और डीपर लेवल पे इस चीज़ को आप रियलाइज़ कर रहे हैं और इसी वजह से थोड़ा सा या काफ़ी परेशान आप हो रहे हैं। तो देखिए, नटशेल में इन दोनों कार्ड्स के मैसेजेस आप लोगों के लिए यही हैं कि इस वीक आपने ब्लाइंडली किसी को भी ट्रस्ट नहीं करना है, कहीं यू नो थोड़ा सा कॉशियस, थोड़ा सा अलर्ट रहना है और एक वर्क लाइफ बैलेंस आपने ज़रूर लाने की कोशिश करनी है और लाना है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए सिक्स ऑफ कप्स एंड मूवमेंट चॉइसेस डिसीजंस के कार्ड्स हैं। तो देखिए, सरफेस लेवल के लिए सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड कहीं पास्ट मेमोरीज की बात करता है, पास्ट किसी इवेंट की बात करता है, पास्ट किसी रिलेशनशिप की, पास्ट किसी इंसान, पास्ट किसी सिचुएशन की बात करता है। और इस वीक या तो अगेन आप पास्ट की किसी चीज़ पे या फिर इन्हीं किसी चीज़ में से आप यू नो किसी पे फोकस कर रहे हैं या फिर पास्ट का कोई इंसान, पास्ट का कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में इस वीक आ रहा है। और कहीं आप इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, कुछ के लिए पॉजिटिव रह सकता है, कुछ के लिए नेगेटिव रह सकता है, लेकिन कहीं सिक्स ऑफ कप्स के नीचे मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन का कार्ड कहता है कि इसी वजह से या अदरवाइज भी कोई डिसीजन, कोई चॉइस हो सकता है आपको लेना है और इसी को ही लेकर कहीं आप टू माइंड्स में हो रहे हैं या फिर जो भी आपके पास ऑप्शन हैं, चॉइसेस हैं, आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप और ज़्यादा यू नो उन्हीं चीज़ों के बारे में जानना चाह रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए जस्ट ब्रीथ का कार्ड है। और देखिए, ये कार्ड कहता है
कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस वीक आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, जो भी टेंशन अगर है या फिर काम है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको साइड में रखें और अपनी एनर्जीज़ को रिजुविनेट करें, अपने आपको चार्ज अप करें, कुछ ऐसा करें जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो, जिससे आपकी लाइफ में एक सूदिंग कामिंग सी एनर्जीज आएँ और आप बेटर फील करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सजिटेरियस साइन का कार्ड है, तो देखिए आपका साइन भी सजिटेरियस है और आपके लिए यहाँ पर कार्ड भी सजिटेरियस राशि का है। और देखिए ये कार्ड कहता है, दिस एनर्जी इम्ब्यूज पावर, सुपीरियर कॉन्फिडेंस एंड एंथुजियाज्म विद फेथ, गुड फॉर्चून एंड अथॉरिटी। तो देखिए अपने ही साइन के एनर्जीज में इस वीक आप रहें, एक एंथुजियाज्म, फन, मज़ा, मस्ती लेकर आएं। और फिर से मैं कहूँगी कि बियॉन्ड द पॉइंट जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं या फिर एग्जर्ट कर रही हैं उनको आप ज़रूर साइड पर रखें। एंड सजिटेरियस साइन के हिसाब से आप लोगों के लिए येलो कलर इस वीक लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था सजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।